मेरे सामने बैठे सभी किसान योद्धा मेरे बुजुर्ग जिन्होंने आज 100 से ऊपर दिन हो गए, और मैं तो बोलता हूँ कि भाई हमारे दादा परदादा कभी से किसानी करते आए, जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हो ये 5000 साल पुरानी जो हमारी विरासत है, हमारे दादा हमारे जो पिताजियों ने हमको दी, उसके ऊपर जो सरकार की नजर पड़ रही है उसके लिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, मैं आपको नमन करता हूँ। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ऐसा ही एक आंदोलन 1907 में भी चला था जब यो अपना हरियाणा और पंजाब एक हुआ करता। जब भी आप लोगों ने मेरे बुजुर्गों ने याद होगा आप लोगों के मार्गदर्शन में वो आंदोलन आप जीतते थे। वो आंदोलन भी इस उस टाइम ब्रिटिश सरकार का राज था, 9 महीने चला था और किसान और मजदूर की जीत हुई थी। इतिहास उठाकर देख लो, किसान और मजदूर आज तक कभी भी कोई भी संघर्ष नहीं आया है, तो हम ये संघर्ष भी जरूर जीतेंगे। और मैं बात करूं भाई ये रोजगार की, रोजगार में आज के दिन हरियाणा हिमालय बेरोजगारी में नंबर 1 है, और हमारी जब जमीन भी चली जाएगी और ना ये हरियाणा सरकार रोजगार देगी तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए बेरोजगारी में नंबर 1 है, और जो ये बजट पेश कर रहे हैं उसमें किसानों के लिए कोई भी कुछ भी चीज ये नहीं देंगे। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, इन्होंने जब एसी रूम में बैठ के अपने जब कानून पारित करे, जब किसी भी किसान को इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने पता था कि भाई यही किसान और मजदूर वर्ग है जो संघर्ष करके इस देश को इतना ऊपर उठाया है। आखिर में मोदी जी ने सब क्या का निजीकरण करके किसान का भी निजीकरण करने की सोची, तो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों ने ये बुलंद आवाज उठाई और आज 100 दिन से ऊपर इतनी शहादत देकर अपना ये शांतिपूर्वक आंदोलन इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ने की इतनी जो बहादुरी दिखाई है, मैं बोलूंगा समय थोड़ा बहुत लग सकता है लेकिन जीत आपकी अवश्य होगी। और जैसा भी भाई बोल रहे थे, मेरे जो बेनीवाल साहब भी बोल रहे थे कि भाई एसीआर खराब करने का भी ये दमनकारी काम कर रहे हैं, कई कर्मचारी वर्ग इस आंदोलन से ना जुट जाए, मैं बोलना चाहूंगा कर्मचारी भी, विद्यार्थी भी, भाई बेरोजगार युवा भी, हर एक वर्ग आपके इस आंदोलन के साथ जुड़ा है। कई यदि ये सोच रहे हैं, और हर एक घर में आज किसान का ही जिक्र है क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है, जो आम खाता है सभी आपके साथ खड़े हैं। और इन्होंने तो बहुत कोशिश करी कि भाई आपके शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाया जाए, कभी कोई षड्यंत्र रचा, लेकिन अब ये जान चुके हैं कि भाई ये अपनी बात जरूर मनवा कर उठेंगे, क्योंकि अब तो बात सिर्फ 3 काले कानूनों की नहीं, ये तो इन्होंने हमको दिए तो वापिस कराएंगे, एक भी कराएंगे 100% कराएंगे, स्वामीनाथन भी लगवाएंगे, MSP पर गारंटी भी लेंगे, और भाई आगे जो भी बात होगी EVM को भी हटाने का, क्योंकि EVM से चल रहे नितिन का जनाधार कुछ नहीं बचा। बुजुर्गों नौजवान साथियों, EVM के माध्यम से ये जीतते हैं, बैलेट पेपर का चुनाव करवा लो, इनका जमीन पर कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और इसी के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप पक्के जीतोगे। जय जवान, जय किसान, जय छोटू राम, जय मैदान।